अच्छा, इसके बाद एक और चीज आती है, इसको हम कहते हैं इनके अंदर स्ट्रांग इंट्यूशन होती है। इंट्यूशन क्या होती है? सिक्स सेंस। जिनकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी उनकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होगी, और जिनकी डिसीजन मेकिंग वीक है उनकी इंट्यूशन भी बहुत वीक होगी। अगर हम शुरू से शुरू करें, उन्होंने अपने आप को बताया कि हर चीज का नतीजा फौरन नहीं मिलेगा, कई दफा दुनिया में भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं सही फैसला कर रही हूँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक, उनका कॉन्शियंस उनको बताता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, अब क्या है मेरी सिक्स सेंस मुझे ये बता रही है ये वाला मेरा बच्चा जो है ना ये बड़ी जल्दी कर लेगा, ये वाला ये टेढ़ा है, इसको किसी और तरीके से हैंडल करना है। दोनों को मुकाबले के साथ नहीं हैंडल करना। एक खातून जो है वो कहती है कि जी मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मेरे तो हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, मैं तो सर भी कवर कर रही हूँ, मैं तो नमाजें भी पढ़ रही हूँ, मैं तो मसाजिद में भी जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने भी जाना शुरू कर दिया, इतनी चेंज आई है हमें। लेकिन दूसरी खातून कहती है मुझे तो समझ आ गई है, मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है मैंने अपने हस्बैंड के सामने बहुत ज्यादा चीजें की ना, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, वो मुझे घर से निकाल देंगे। वो ये नहीं करेगी कि दीन ना अप्लाई करे, लेकिन अब उसकी हिकमत ये है कौन कौन सी चीजें अप्लाई करनी है और कब करनी है और कैसे करनी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सिक्स सेंस आपको अपने बच्चों के बारे में किसी सिचुएशन में वो बताती है, यहां पर ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। मसलन हमारा दीन कहता है कि अमर बिल मारूफ करो नहीं मुनकर करो, अब आप देखते हैं किसी जगह पे अभी ये इतनी बिगनर है, इसको भी कुरान का भी तारुफ नहीं, मैं बैठती हूँ सुने प्लीज आप ना पर्दा किया करें। इसी वजह से इनकी जो बाउंड्रीज होती है ना ये बहुत स्ट्रांग होती है। बाउंड्रीज का क्या मतलब है? जैसे आपका घर है, आपको पता है कि ये इस गेट तक हमारी बाउंड्री है। अब आप अपना खुद असेस करें, क्योंकि हमने पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग पे आना है, क्योंकि हम इसके जरिए अपने लाइफ में हिकमत अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब आप खुद असेस करेंगे मेरा कौन सा एरिया वीक है, खुद उसको स्ट्रांग करें, उसके बारे में और पढ़ें। अच्छा मैं तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में हूं, मैं जल्दबाज हूं, जल्दी फैसला चाहती हूं, तो कोई बात नहीं नेट खोलें पढ़ना शुरू करें। इंस्टेंट से डिलेट की तरफ कैसे जाना है, क्या क्या तरीके हैं उसकी तरफ, और उसको कुरान और हदीस से रिलेट करते जाएंगे, हमारे दीन हमें कैसे बताता है, नमाजों में ठहराव लाया, वही बात है बाकी सारे एलिमेंट्स को देखें दीन के, आपका मिजाज ही ये बन जाएगा कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ आप जाएंगे। अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे तवक्कुल, तकदीर पे भरोसा, जो अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है उसमें बेहतरी है, ये सारी चीजें आपको सही डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके आती। अब इसके बाद एक और चीज है जो आपको मैं समझाना चाहूंगी, हिकमत के बहुत से तरीके हो सकते हैं, कुछ मैं आपको जो टिप्स देना चाहूंगी कि हिकमत क्या है। मसलन आपको लगता है कि ये काम है हिकमत वाला जो मुझे करना चाहिए, यहां पे मेरी हिकमत है। अब इसके लिए आपके पास आपकी लाइफ में चार फैक्टर्स हैं जो मैं आपको चाहूंगी कि उनके ऊपर आप गौर व फिक्र करें। दो फैक्टर्स जो हैं जो आपको हिकमत की तरफ लेकर जाएंगे, एक आपकी एजुकेशन है, तालीम है किसी भी किस्म की, और एक आपके मॉरल्स हैं, ये आपके बेस होते हैं। एजुकेशन क्या है? मतलब जैसे अभी आप बैठ के यहां सीख रहे हैं, ये आपकी एजुकेशन है। आप खुद कुरान पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, कोई नॉलेजेबल इंसान है आपकी फैमिली में, आपका बुजुर्ग है, आपकी अम्मी है, अब्बू है, लोग एग्जांपल देते हैं, पता है मेरी अम्मी ने मुझे बहुत चीजें सिखाई, मेरे अब्बू इतनी आराम से सारे मामलात करते हैं, मुझे सिखाते हैं और मैं सीखती हूं उनसे। अच्छा मेरी सास जो है ना, उन्होंने मुझे खाना बनाना उन्होंने सिखाया और बहुत सारे काम उन्होंने मुझे सिखाए, मुझे कुछ नहीं आता था। कुछ एजुकेशन हमारी फॉर्मल होती है, कुछ एजुकेशन हमारी इनफॉर्मल होती है, जो हम लोगों से सीख, कोई वर्कशॉप अटेंड करते हैं, कोई सेशन अटेंड करते हैं, ये हमारी बेस होती है। जिसकी बेस वीक होगी वो हिकमत तक नहीं जा सकता, उसने तरीका ही नहीं सीखा। आप अपनी सोसाइटी में इतने लोगों को देखेंगे, अब आप माशाल्लाह यहाँ जो सेशन अटेंड करते हैं, आप जाके किसी से डिस्कस करते हैं, उनको क्या लगता है? वो हंसते हैं आपको। लेकिन जब इंसान सीखना शुरू करता है, इंसान को पता चलता है कि कितनी चीजें हैं जो मुझे नहीं आती, कितने एरियाज हैं जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किए। स्पेशली हमारी सोसाइटी में यही समझा जाता है कि ये बातें सीखना ये किताबी बातें हैं, ये हवाई बातें हैं, इनसे बच्चे नहीं पलते, जितने पॉजिटिव अलूम है उनको सीखना, जब तक आपको वो बेस ही नहीं आप नहीं कर सकते। अच्छा हमारे जो बुजुर्ग थे, आप अपनी नानी दादी को या और इवन किसी की मदर भी होगी, वो कहेगी जी उन्होंने तो सिर्फ हार्डली मैट्रिक किया था, बहुत छोटी थी शादी होगी, तालीम नहीं मुकम्मल की, लेकिन उनकी एजुकेशन आ रही होगी फिर उनके फैमिली मेंबर्स से। दूसरी स्ट्रांग बेस होती है आपके मॉरल्स। वो मॉरल्स भी कहां से आते हैं? कुरान और हदीस से आते हैं। कौन कौन सी वैल्यू सिस्टम पे आप बिलीव करते हैं? मॉरल्स आपके क्या बताते हैं? गीबत नहीं करनी चाहिए, गुस्से को पीना चाहिए,
जितने मर्जी आप मॉरल्स के लिए बनाए, हिकमत आप में आ नहीं सकती जब तक आपके मॉरल्स क्लियर ना हो। अगर आप कहते हैं चलो चलो ये तो जमाना ही नहीं है नेकी का, बेटा लगा देनी थी एक तुमने भी, बदला ले लेना चाहिए। कुरान में इजाजत है बदला लेने की। मॉरल्स हमें बताते हैं कि माफ कहाँ करना है, सब्र कहाँ करना है, किसी की बात का पर्दा कैसे रखना है। अगर हिकमत की आपको अपने अंदर कमी लगती है, पहले तो अपने डिसीजन मेकिंग के पैरामीटर्स को देखें, फिर आप इन दो चीजों को स्ट्रांग करें। कुरान वैसे भी फुरकान देता है। आप में से अगर कुछ लोग यहाँ पे जो आए हैं इतने ज्यादा रेगुलर नहीं है कहीं कुरान स्टडीज में, तो आप प्लीज अपने आप को रेगुलर बना लें। वंस अ वीक कहीं अपने एरिया में कुरान क्लास अटेंड करें। हर तरह की क्लासेस हो रही हैं। जो भी अकीदा दुरुस्त है, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, आपको लगता है कि वो सही, आपको कोई शिर्क की तरफ नहीं लेके जाते, गलत बात नहीं सिखाते, आप सीखें जाके। ऑनलाइन सोर्सेज आपको इतने मिल जाते हैं, जरूर किसी उस्ताद के साथ सीखें। अब ये दो तो स्ट्रांग है जो आपको स्ट्रेंथ देती है, बेस है आपकी। अब इसके साथ दो चीजें हैं जो आपकी फ्लेक्सिबल रहती है। एक तो वो जो मैंने आपको डिसीजन मेकिंग में भी कराई, इंट्यूशन, और एक होता है एक्सपीरियंस। यानी आपने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, अपनी फैमिली के आपने ट्रेडिशंस देखे, जो आपके खानदान में तरीके चले आ रहे हैं, बहुत से आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनसे आपने सीखा, अब आपने उनको जमा किया, अब आपने उसको अप्लाई करना है और उससे आपके अंदर हिकमत आएगी। अच्छा, उसकी एप्लीकेशन कैसी होगी? एक तो आपकी सिक्स सेंस है। आप कुरान को नहीं बदलेंगे, हदीस को नहीं बदलेंगे, अपनी एजुकेशन को नहीं बदलेंगे, जो आपने ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ ली है। जैसे माई कहती है मैं आंखें दिखाती हूं तो बच्चा बात सुन लेता है, जो आप डिसिप्लिन टेक्निक बताती हैं, या अल्लाह उसके साथ तो मर खप गई हूं, कुछ भी नहीं हो रहा। अब आपने क्या करना है कि आपने दो चीजों को फ्लेक्सिबल रखना है, आपने उन बेसिस पे यकीन रखना है कि अगर एक्सपर्ट्स कहते हैं ये काम ऐसे होता है तो ये ऐसे होता है, ये डेफिनेटली रिजल्ट देता है, मैं उसकी एप्लीकेशन सही करूंगी। इसी तरह अगर एजुकेशन में मैंने सीखा है चीजें, कुरान में सीखा है, मैं उसको नहीं बदलूंगी, हलाल हराम की डेफिनेशन नहीं बदलूंगी। अब आपकी इंट्यूशन आपको क्या बताएगी? जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो अगला इंसान जिसके साथ मैंने बात करनी है वो कैसे बात को समझेगा, उससे इस वक्त बात करनी है, ऐसे बात करनी है, उसको ये कहना है या ये कहना है, क्योंकि जहां पे घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा, आपको यहां पे उंगलियां टेढ़ी करनी है, तरीका अपना बदल लेना है। कई दफा सिर्फ एक जुमला आपने बोलना होता है, लंबी कहानी नहीं करनी होती है, सारा मसला हल हो जाता है। और हम कई दफा फिर बैठ के सोचते हैं दैट्स इट, ये करना था सिर्फ। उसके साथ दूसरी चीज क्या होती है? एक्सपीरियंस होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। इंट्यूशन आपकी सिक्स सेंस बताती है किसी से कोई बात करनी है, किसी से कोई बात करनी है। उसमें से कुरान नहीं बदला जाएगा, हदीस नहीं बदली जाएगी, एजुकेशन नहीं बदली जाएगी। जैसे एक शख्स जो नमाज नहीं पढ़ा, आप ये नहीं आप उसे कहेंगे नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप कहेंगे नमाज की जरूरत है, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, तो आप कहेंगे चले आप पहले कुरान पढ़ना शुरू करें, आप थोड़ा सा अल्लाह का तारुफ लें। ये सिक्स सेंस है कि हम उनकी जान के पीछे ना पड़ जाए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि नमाज नहीं है, छोड़ सकते हैं नमाज, नहीं नमाज छोड़ नहीं सकते। ये आपने सिक्स सेंस से उनको बताना है, किसी को किसी तरह, किसी को किसी तरह। ये जो माओं की फ्रस्ट्रेशन है वो भी इसलिए कि हम बच्चों को एक ही तरीके से बताना चाह रहे हैं। हम कहते हैं मतलब इसको मेरी बात समझ आ गई, इसको क्यों नहीं आती, इसको इसलिए नहीं आती कि आप अपनी सिक्स सेंस इस्तेमाल नहीं कर रही। दूसरी चीज एक्सपीरियंस, आपका तजर्बा आपको बताएगा। कभी कभी आपने सारे काम सही किए, डिसीजन मेकिंग की सारी चीजें समझी, आपने कुरान भी अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, आपने एजुकेशन भी अच्छी ली हुई है, आपने अपनी सिक्स सेंस से भी काम किया, लेकिन इतना खराब रिजल्ट आया। अब आपको एक्सपीरियंस बताएगा कि कौन सा काम किस वक्त और कैसे करना चाहिए। एक्सपीरियंस आपको बताएगा किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, और वो वक्त के साथ आता जाता है। तो कभी भी कोई डिसीजन करने से डरा ना करें, घबराया ना करें, करते रहा करें फैसले। ये आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा। आपको आप कहेंगे कि हाँ पहले मैं ऐसे काम करती थी ना, लेकिन अब मुझे समझ आ गई, अब मैं ऐसे नहीं करती, अब मैं इस तरीके से बच्चों को समझाती। पता है मैं इतनी बेवकूफ थी जब मेरी शादी हुई, मुझे अपने हस्बैंड से बात ही नहीं करनी आती थी, पैसे ही नहीं लेने आते थे, इजाजत नहीं लेनी आती थी। अब मुझे समझ आ गई है कि उनको चाय का कप पिलाओ, उनसे प्यार से बात करो, उनको चार पांच दिन पहले से बताओ। मेरे हस्बैंड एकदम प्रोग्राम बना लेते हैं, अब मुझे समझ आ गई। मेरे हस्बैंड के साथ मुझे आराम से जरा तरीके से बात करनी पड़ती, फिर वो मान जाते हैं। ये आपका एक्सपीरियंस है। तो जब आप इन सब चीजों को मिक्स करेंगी तो फिर आपको इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। क्विक टिप्स आपको दे दूं,
बच्चों को अब हम कैसे सिखाएंगे यही विजडम. एक तो जाहिर है ये सारी चीजें आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, और आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगी तो बच्चे ऑटोमेटिकली आपके साथ सीखते हैं. रोल मॉडलिंग से बच्चे बहुत स्ट्रांगली सीखते हैं. फिर आपने बच्चों के लिए दुआ भी मांगनी है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों के अंदर भी हिकमत हो. बच्चों को आप ना मुख्तलिफ चीजों का, इसको आम जुबान में कहते हैं एरियल व्यू दिखाया करें. एक बच्चा कहता है मैंने स्विमिंग पे जाना है, दूसरा कहता है मैंने तो खाना खाना है, तीसरा कहता है मैंने तो ये करना है. तो आप उनको कह सकते हैं कि चले हम सब जो कुछ करना चाहते हैं छुट्टियों में हम सब अपना अपना लिख के लाएंगे. लिखने दें उनको लंबी लंबी हवाई कहानियां, वर्ल्ड टूर लिखेंगे, और फिर आप अपना भी बताएं और आपके देखें हम सबका डिफरेंट चीजें करने को दिल चाह रहा है. चलो हम मिलकर डिसाइड करते हैं, कोई कुछ कर सकता है कोई कुछ कर सकता है, गाड़ी एक है, इतने ही पैसे हैं, ये बजट है हमारा, तो इसमें क्या हो सकता है, इस साल हम क्या कर सकते हैं. आप देखें आपके बच्चे आपको कैसे कैसे आइडियाज देंगे, कैसी कैसी सेक्रीफाइसेस करेंगे. क्योंकि बजटिंग पे हम परेशान हैं, हम अपने बच्चों को बताते ही नहीं है, एंगेज ही नहीं करते उस चीज पर. एंगेज करें अपने बच्चों को. फिर इसके अलावा हम सोचने का मौका नहीं देते उनको, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा डालने दें उनको, बता दिया करें. मैं तो हमेशा अपने बच्चों को बताती हूँ आज मेरे पास पैसे नहीं है, इस महीने मेरा बजट लो है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फलां के लिए हम ये काम नहीं कर सकते, हमें किसी के लिए ये सेक्रीफाइस करनी है. ये जो चीजें होती है ना, ये हम जब बच्चों को सारी एंगेजमेंट दिखाते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस को मास्क ना किया करें बच्चों के लिए, इससे भी उनको हिकमत आती है. जब उनको सहना पड़ता है गलत फैसले का नतीजा, तो वो आइंदा के लिए सोचते हैं अब हमने गलत काम नहीं करना. लेकिन अगर आप हर दफा उनके लिए हेलीकॉप्टर पेरेंट बन जाते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर आके हर जगह लैंड कर सकता है, हम हर चीज उनके लिए जब अवेलेबल कर देते हैं, तो फिर उनको जरूरत नहीं रहती वो हिकमत सीखने की, कि वो सोचें कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं उसके क्या क्या असरात होंगे. बच्चे को पहले से कहा कि बेटा सोच समझ के एक सब्जेक्ट लेना है. जब उसने सब्जेक्ट ले लिया, वो दो दिन बाद कहता है मैं बोर हो गया मैंने कुछ और लेना है, तो आपके बेटा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है. वो आप पहले से उनको वो सारे पैरामीटर सही दें, और अगर उसने डिसीजन गलत किया तो फिर उसको थोड़ा सा भुगतने दें उस चीज को. अटैच करें कुरान क्लासेस से, कुरान से, ताकि वो फुरकान उनके अंदर आए, वो जो बेस उनकी स्ट्रांग करें, ताकि वो खुद ही फैसले सही करेंगे. इस तरह की ये जो चीजें आप करवाएंगे ना, तो फिर आप देखें वो हिकमत आएगी कि कुरान पे कैसे अमल करना है उनको, वो हिकमत आएगी कि पीयर प्रेशर को कैसे हमने ठीक मैनेज करना है, माँ बाप की बात क्यों सुननी है, उनकी पर्सनैलिटीज में भी आहिस्ता आहिस्ता ठहराव आएगा. पीछे कर चुके हैं गलतियां, देखिए पीछे की गलतियों के लिए एक ही स्टैंडर्ड है, जो गुजर गया वो गुजर गया. और अल्लाह ताला ने हमें पीछे गुजरी हुई गलतियों के लिए क्या कहा है, कसरत से इस्तग़फ़ार, और उनको रिपीट ना करें, और उनको एक लर्निंग एक्सपीरियंस ले लें. इस्तग़फ़ार पढ़ लिया तो सोचा कि मैंने ये सीख लिया कि वो मुझे नहीं करना ना आइंदा, बस अल्लाह ने रास्ता दिखाया. हमारा रब माफ कर देता है, हम क्यों नहीं अपने आप को माफ करते. माफ करना सीखें, सिर्फ लोगों को ही नहीं अपने आप को भी माफ करना सीखें. जब तक आप अपने आप को माफ नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते. सोचा ही ना करें, मैं तो सोचती नहीं हूं बियॉन्ड अ पॉइंट. सोचना सिर्फ ये है कि वो गलती नहीं दोबारा करनी. जब ख्याल आए इस्तग़फ़ार पढ़नी है, और आगे प्रोग्रेसिव माइंडेड हो. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.